बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़ीरे वाला पुलाव बनाना बताऊंगी। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, छोटी वाली को, उसकी फरमाइश में मैं आ रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ रेसिपी कैसे बनती है। इतने आसान और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ये 2 कप मैंने चावल लिए हैं, इसे अच्छी तरह भिगो के साफ़ करके भिगो दिए। 15 से 20 मिनट पहले भिगो दें इसको। और ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून नमक है, नमक आप बाद में भी इसको चेक करके डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी भी मैं डालती हूँ इतनी चावलों में, ये अच्छी होती है सेहत के लिए। और 1 टीस्पून लाल मिर्च है, और ये अदरक और लहसुन का है 1.5 चम्मच है टीस्पून में। और ये मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल से डाल के, 1 मीडियम प्याज है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी पर डालेंगे, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ इसके मसाले सारे डाल देंगे। थोड़ी देर को भून के तो साथ फिर इसके अंदर मसाला भून गया। अब इसके अंदर हम 4 कप पानी को डाल देंगे, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम चावल डालेंगे और नमक चेक कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे, पानी को बॉयल आ गया। चावल मैंने नाम पे रख दिए थे, ये तकरीबन तैयार हो गए। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिलीज डालिएगा, या फिर सबस केली मिर्ची भी आप डाल सकते हैं 2 से 3। अब मैं इसको डिश में डाल दूँ। जी ये चावल रेडी हो गया, मैंने डिश आउट कर दी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप कैसे लगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अगर आप मिर्च कम करते हैं तो आप इसको कम भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, केला नमक डाल के भी बना सकते हैं ज़ीरे वाले चावल, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं।